बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, ई स्कूल के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो मैथ के बेसिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम बेसिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और फिर बेसिक फंक्शंस को सॉल्व करने का जो मेथड है हम उनको देखेंगे, उनके रूल्स को देखेंगे। तो डायरेक्टली मूव करते हैं हमारे इस टॉपिक पे, और इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बेसिक फंक्शंस होते कौन कौन से मैथ के। मैथ के फोर फंडामेंटल फंक्शंस होते हैं, एक एडिशन, सेकंड वन इज़ सब्ट्रैक्शन, थर्ड वन इज़ मल्टीप्लिकेशन एंड लास्ट वन इज़ डिवीजन। एडिशन को हम सम भी कहते हैं, प्लस भी कहते हैं, और इसका सिंबल ये होता है। सब्ट्रैक्शन के लिए हम माइनस का वर्ड भी यूज़ करते हैं और इसके लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं, जबकि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ये होता है क्रॉस, और डिवीजन के लिए हम ये सिंबल भी यूज़ करते हैं या सिंपली हम इस तरह से फ्रैक्शन भी यूज़ करते हैं। तो मैथ के जितने भी एडवांस कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, एडवांस जो टर्मिनोलॉजीज होंगी लाइक एरिया, वॉल्यूम, या इससे इसके अलावा पेरीमीटर जितनी भी होंगी, उनमें बेसिक फंक्शंस यही यूज़ हो रहे होंगे। उनमें हाँ, आप इवेंचुअली या ऐड कर रहे होंगे या मल्टीप्लाई कर रहे होंगे या सब्ट्रैक्ट और डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इनके रूल्स क्या क्या हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रूल्स हैं, यानी कि अगर आपके पास नंबर्स हैं, आपने उनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके रूल्स कौन कौन से हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के। तो हम इसके लिए हम एक फ्लो चार्ट से हम इसका कंसेप्ट समझते हैं। और वो फ्लो चार्ट क्या है कि फ़र्ज़ करें आपके पास टू नंबर्स हैं, आपने टू नंबर्स को ऐड करना है या आपने टू नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अब ये टू नंबर्स की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो दो हो सकती हैं, कि दोनों नंबर आपके पास सेम साइन के हों, या फिर ये दोनों नंबर्स आपके पास क्या हो सकते हैं, डिफरेंट साइन के हो सकते हैं, उनके साइंस जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, ठीक है। अब हम इसी से हम इसका रूल डेवलप करते हैं कि अगर सेम साइन वाले हों तो उस वक़्त क्या ऑप्शन होता है, डिफरेंट साइन वाले हों तो उस वक़्त क्या ऑप्शन होता है, क्या रूल होता है, हम उसको कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। अब सेम साइन की मैं सबसे पहले एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें हमारे पास टू नंबर्स हैं, एक है 10 और दूसरा है 9, ये दोनों प्लस के हैं, या फिर ये है कि हमारे पास -10 और -9 है। अब इन दोनों में आपने सबसे पहले ये देखना है कि क्या साइन सेम है, 10 प्लस का 9 प्लस का दोनों में सेम है। जब सेम साइन हो तो आप क्या करते हैं, रूल ये है कि जो वैल्यूज़ होती हैं उनको आप सिंपली ऐड कर देंगे, यानी कि 10 और 9 को आप ऐड करेंगे आपके पास 19 आ जाएगा। फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि इसके साथ साइन कौन सा लगेगा। तो जब दोनों वैल्यूज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए सेम साइन हो तो आपके पास आंसर में वही साइन आ जाएगा, वही साइन आ जाएगा जो कि उन वैल्यूज़ के साथ है। अब इसमें दोनों वैल्यूज़ के साथ इस केस में प्लस है तो आप प्लस लगा देंगे। सिमिलरली इस दूसरी एग्जाम्पल देखें, साइन दोनों के साथ माइनस है, यानी कि सेम साइन है, सेम साइन होगा तो वैल्यूज़ को आप ऐड कर देंगे, 10 एंड 9 जब ऐड होंगे तो 19 हो जाएंगे। साइन कौन सा लगेगा, वही साइन लगेगा जो दोनों वैल्यूज़ के साथ है, दोनों के साथ माइनस है तो आप माइनस लगा देंगे। दूसरा रूल यह है कि जब डिफरेंट साइंस हों तो तब आप क्या करते हैं, ठीक है। हम इसकी एग्जाम्पल लिखते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास प्लस का 10 है, माइनस का 9 है, ठीक है, या हमारे पास माइनस का 10 है, प्लस का 9 है, ठीक है। तो इसका रूल ये है कि जब साइन डिफरेंट हों दोनों वैल्यूज़ के, तो आप वैल्यूज़ को क्या करते हैं, आप वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि माइनस कर देंगे सिंपली फ्रॉम दी लार्जर वैल्यू, ठीक है, उसमें से आप स्मॉलर को माइनस कर देंगे। और जो साइन लगेगा आंसर में वो साइन कौन सा आएगा, लार्जर वैल्यू का आएगा, जो साइन लार्जर वैल्यू के साथ होगा वो साइन आ जाएगा। फ़र्ज़ करें हम इस एग्जांपल को देखते हैं, साइन चेक करें तो दोनों के साथ साइन डिफरेंट हैं, 10 के साथ प्लस है, 9 के साथ माइनस है, डिफरेंट साइन है, तो आपके पास ये वाला सिनेरियो है। इस सिनेरियो में वैल्यूज़ को क्या करते हैं, आप सिंपली माइनस कर देते हैं, लार्जर 10 है, 10 में से 9 को निकाल दें, सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास 1 बच जाएगा। फिर उसके साथ साइन कौन सा लगेगा, साइन लार्जर वैल्यू का लगता है, 10 और 9 में से 10 लार्जर वैल्यू, 10 के साथ प्लस है तो आपके आंसर में प्लस आ जाएगा। इस दूसरी एग्जांपल में देखें तो डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट साइंस हैं, वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे, आपका आंसर 1 आ जाएगा, साइन लार्जर वैल्यू वाला लगेगा, लार्जर वैल्यू -10 है तो माइनस आ जाएगा इसके साथ। तो अगर आपके पास टू नंबर्स हों सेम साइन के साथ हों तो आप ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट साइन के साथ हों तो आप ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो है कि अगर आपके पास
मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी है तो उसका क्या रूल होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल क्या होगा टू नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई का हम देखते हैं, सेम हम उसी तरह फ्लो चार्ट बनाते हैं कि टू नंबर्स हैं, वो टू नंबर्स या तो सेम साइन के साथ हो सकते हैं या फिर डिफरेंट साइन के साथ हो सकते हैं दोनों नंबर्स। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं टू सेगमेंट्स में, सेम साइन के साथ हों तो क्या होगा। फर्ज करें हमने मल्टीप्लाई करना है प्लस के 9 को प्लस के 3 के साथ, ठीक है, हमने करना मल्टीप्लाई है, या फिर माइनस के 9 को माइनस के 3 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों केसेस में अगर आप देखें तो आपका साइन सेम है दोनों वैल्यूज के साथ, दोनों के साथ प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। जब सेम साइन हो तो आपके आंसर में जो साइन है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। सेम साइन हो चाहे दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो तो आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव में आएगा। 9 × 3 = 27 होता है, 9 × 3 = 27 होता है। दोनों के साथ सेम साइन है तो आप आंखें बंद करके दोनों के साथ प्लस लगा दें। अब आते हैं अगर आपके पास डिफरेंट साइन हो, जब डिफरेंट साइन हो तो हम क्या करते हैं, फर्ज करें आपके पास एक प्लस का 9 है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप माइनस के 3 के साथ, या फिर आपके पास माइनस का 9 है और आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस के 3 के साथ। अब इन दोनों केसेस में साइन डिफरेंट है, एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, तो आप वैल्यूज़ को तो सिंपली मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मल्टीप्लाई ही करेंगे, ठीक है। साइन कौन सा लगेगा, जब डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, इस केस में जब डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी तो आंसर में साइन हमेशा नेगेटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव साइन आएगा इसके साथ। तो 9 × 3 = 27 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो आप आंखें बंद करके माइनस लगा दें, 9 × 3 = 27 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो माइनस लगा दें। सेम वैल्यूज़ हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव, सेम वैल्यूज़ हैं और डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। सेम रूल अप्लाइज ऑन डिवीजन, कि सेम साइन वाली वैल्यूज़ हैं तो डिवीजन में प्लस आएगा, डिफरेंट साइन वाली वैल्यूज़ हैं तो डिवीजन में आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, माइनस। तो हम उसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखें कि डिवीजन की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एक में प्लस 9 डिवाइडेड बाई प्लस 3 है या माइनस 9 डिवाइडेड बाई माइनस 3 है, तो इस केस में अगर आप देखें तो सेम साइन है, सेम साइन में आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास 3 × 3 = 9 तो प्लस का 3 आ जाएगा, इसमें 3 × 3 = 9 दोनों में सेम साइन है तो आपका आंसर इसमें भी पॉजिटिव 3 आएगा। लेकिन अगर आपके पास प्लस 9 ओवर माइनस 3 है, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन होंगे तो हमेशा नेगेटिव लगेगा, 9 / 3 = 3, या आपके पास ऐसे है को माइनस 9 ओवर प्लस 3 होता तो भी आपके पास डिफरेंट साइन है, आंसर में माइनस आएगा, डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 आएगा। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं टू नंबर्स को जो सेम साइन के साथ हों या वो डिफरेंट साइन के साथ हों। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इस बेसिक टॉपिक में, ये बहुत पहले होना चाहिए था लेक्चर लेकिन थोड़ा सा डिले है, तो अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, हम आपको वहाँ पे आंसर कर देंगे। और ई स्कूल को की वीडियोस को लाइक करना शेयर करना मत भूलें और इसको सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि अगले दिनों में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और दूसरे तमाम सब्जेक्ट्स की डिटेल्ड वीडियोस आएंगी ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक इंशाल्लाह। थैंक यू।